न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा विश्व योग दिवस के पूर्व देश भर में विशाल योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में जमशेदपुर के डिमना लेक परिसर में पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान समेत कुल 5 योग समितियों के द्वारा स्कूली बच्चों को योग अभ्यास करवाया गया। इस विशेष शिविर में शहर के 10 स्कूल से स्कूली छात्र शामिल हुए। मुख्य रूप से आगामी विश्व योग दिवस से पूर्व स्कूली छात्रों में योग के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु इन शिविरों का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। आयोजन समिति के सदस्य अर्जुन शर्मा ने कहा कि योग से शरीर निरोग रहता है। हर आयु वर्ग के लोगों को योग का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए और खासकर छोटे बच्चों के भीतर कम उम्र में ही इसकी आदत रहे, इसको लेकर इस तरह के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और आज के बाद से लगातार प्रत्येक स्कूल स्तर पर लगातार योग शिविर का आयोजन करवाया जाएगा। तो उसी सही देखना है, रिलैक्स दूसरे साइड से राइट लेग फोल्ड करेंगे, राइट हैंड बैक। भारत सरकार के गाइडलाइन का आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन की गई है कि प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यक्रम योगाभ्यास कराना है। पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान और आर्ट ऑफ लिविंग इंडियन एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। यह उन्हीं क्रम में डिमना लेक में आज योगाभ्यास कराया गया है, जिसमें से करीब करीब 10 स्कूल के बच्चे भाग लिए हैं। और यह कराने का उद्देश्य 21 जून का भव्यता प्रदान करना है कि योग अभ्यास से लोग जुड़े और अपने स्वस्थ रहने के लिए अपनी कला को सीखे और जन जन तक पहुँचाए। मुख्य उद्देश्य इसका ये है, योग करने से आदमी स्वस्थ रहता है और अपने जीवन में सुखमय शांति व्यतीत करता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिमना लेक में ये आइकन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर ही ये इस पांचों संगठन मिलकर के कार्य कर रहे हैं। आगे भी क्या विभिन्न स्कूलों में इस तरह का अवेयरनेस चलाया जाएगा? आज के बाद से लगातार विभिन्न स्कूलों में अपने अपने स्कूल के संगठनों के द्वारा इस कार्य को जारी रखा जाएगा, ताकि 21 जून में भव्यता प्रदान की जाएगी और अधिक से अधिक लोग संख्या में अपने योगाभ्यास अपने निश्चित स्थान पर जाकर करा पाएंगे। आज कौन कौन लोग आए हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से आर्ट ऑफ लिविंग का है, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, इंडियन एसोसिएशन और जितने भी योगाभ्यास से जुड़े हुए हैं संस्थाएं, सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। सभी एक पौधान पर होकर कार्य कर रहे हैं।